subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. इस तरह के केसेस तो इनका बाइल में होते हैं जी सर, बट आई डोंट थिंक इस केस में उनमें से कोई बचे। आई डोंट थिंक सो। कम इन। डॉक्टर साहब ये खत है। ठीक, बाबा मैं अफसरदा हूँ कि मुश्किल हालात में आपको अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, मगर मुझे लग रहा था कि तानिया से शादी मेरे लिए नामुमकिन है। कुदसिया मेरी रूह से अलग नहीं हो सकती और न ही उसको अलग कर देना मेरे बस में है। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, अगर हो सके तो आपका और सिर्फ आपका है। खैरियत तो है सर। तुम्हारे इस तरह से रातें जागने से अहमद वापस आ जाएगा। जी, क्या कहा आपने? क्यों कर रही हो ऐसा? क्या कर रही हूँ? कुछ भी तो नहीं कर रही। देखो, अहमद के साथ मुझसे ज्यादा किसी ने वक्त नहीं गुजारा। वो मेरा होकर मेरा नहीं हुआ। तुम्हारे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं, बाबा है ना, और मैं उनको खोना नहीं चाहती। फिर कल को कल ही रहने दो। हमें अहमद को साबित करना है कि हम उसके बगैर भी अपनी आज को जोड़ कर रख सकते हैं। शायद शायद यही थॉट प्रोसेस अहमद के माइंड में गुजरा था जब डॉक्टर खुद से उसको छोड़ के गई थी। गुजरा होगा और हम गुजार रहे, हमें हंसना होगा, खुश रहना होगा इस हॉस्पिटल के फ्यूचर के लिए, उन मरीजों के लिए जिनको आज भी ज़ियाउद्दीन से उतनी ही एक्सपेक्टेशंस हैं। जितनी खातिर तुम रात रात पर जागती, तुम्हें मायूस देखकर वो हौसला हार नहीं सकता।
Yes. We have to fight. डॉक्टर जहांजेब जोई, आपने आज तक किसी भी हॉस्पिटल में अपनी हाउस जॉब कंप्लीट नहीं की। सर मुझे किसी भी हॉस्पिटल में हाउस जॉब कंप्लीट करने भी नहीं दी गई। मैं वजह जान सकता हूँ? सर कम्युनिकेशन गैप, मुझ पर हर मरतबा कोई ना कोई ऐसा एलिगेशन लगाया जाता रहा कि जिसको कि मैंने डिफेंड करना पसंद नहीं किया। अगर कोई एलिगेशन लगता है तो उसे डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि तुम बेकसूर हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लेजर टू मीट यू। मैंने जाने के लिए तो नहीं कहा। उप्स। सर थोड़ी देर बाद तो कहना ही है ना आपने। तुम अपना रवैया दुरुस्त करो अगर कुछ करना चाहते हो। कल से ज्वाइन कर लो। Sure, why not? Thank you very much, sir. Thank you. कार्ड्स डॉक्टर निर्मल तक पहुंचा दीजिए। और उनसे कहिएगा आया था। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से आप? हाथ मिलाए। अरे क्या खा रहे हैं? सैंडविच। वाह मुझे भी सुबह से भूख लग रही थी। और सुनाए, एक सेकंड इधर आना। एक काम करिएगा आप, मेरी ये बाइक पार्क कर दीजिए प्लीज। ले लीजिए। थैंक यू। Thank you.
कर रहे हो? आपको कुछ नहीं हुई? तो सारे कार्ड्स? जी, वो डॉक्टर निर्मल के लिए किसी ने दिए थे। और तुम पढ़ रही हो? वेरी बैड। चलो जाओ अपना काम करो। डॉक्टर तानिया, प्लीज रिपोर्ट टू द इमरजेंसी रूम। चलो कुछ मसला हो तो आप बुला लें। पेशेंट को जी वो सर जाके हिस्ट्री बताया ना उनको, सुन के नहीं गए वो तो। कल ही दिखा देंगे। थैंक यू एलिस। अरे अच्छी बात है यार, बगैर चेकअप के मैं क्या बताऊंगा क्या हुआ। हेलो हेलो, कौन? सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर लम्हा और मसरत हो सिर्फ मेरी वजह से। तुमने मुझे ना फोन करने का वादा किया था। सॉरी, वादा तोड़ दिया। तुम्हें बुरा लगा? नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा। बोलो। निर्मल, बहुत अहम दिन है आज। आज खफा मत होना। तुम्हें कैसे पता चला आज मेरी बर्थडे? आखिरी सांस तक का रिश्ता बनता जा रहा है ना, पता रहना चाहिए कि पहली बार सांस कब ली थी। मैं फोन बंद कर दिया। आज सूरज जब अपनी रोशनी से महरूम होगा, मेरे इंतजार का दिया जलेगा। तुम्हारी सालगिरह के बाद पहली शाम मैं अपने साथ गुजारना चाहता हूँ। I'm sorry, Vinay, that's not possible. देखो, तुम खुद ही डॉक्टर हो, तुम्हें तो पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। कैसे? प्लीज, कोई तो रास्ता होगा। प्लीज, पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। आप किसी सीनियर को बुलाए प्लीज। लिसन, ट्राई एंड रिलैक्स। अब तुम्हारी जिंदगी आउट ऑफ डेंजर है। ट्राई एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन। यू हैव लॉस्ट द बेबी। I'm sorry. देखो, you've lost the baby now. Try and accept the reality. How can I accept this? मेरा बच्चा। अब please, आप किसी senior doctor को बुलाएं। कुछ तो करें। तुम्हारी जिंदगी अब out of danger है। देखो, अल्लाह जो भी करता है उसकी कुछ ना कुछ मसलियत होती है। Just try and relax, okay? Nurse, इनको
ओटी में ले जाना पड़ेगा, इनकी डीएनसी होगी। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपॉइंट हुए जी? कम से कम आप वाइटल्स तो मेंटेन कर लेते। एक बात बताएं, आपको कितना अर्सा हुआ है अपनी हाउस जॉब कंप्लीट किए? आपको कितना अर्सा हुआ है इस हॉस्पिटल में काम करते हुए? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मोहतरमा डॉक्टर तानिया साहिबा, पहली बात कि वहां पर मेरी प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं की जा रही थी, और दूसरी बात कि मुझे 4 साल हो चुके हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। It's been 4 years, pretty long time, you know. तो आप स्टाफ को गाइड नहीं कर सकते थे? गाइड करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। पिछले 4 सालों में मैंने जो भी हॉस्पिटल ज्वाइन किया, 6 हफ्तों के बाद निकाल दिया जाता था। Got my point? लग रहा है। डॉक्टर हम्माद, अगर मैं आपसे सच सच कहूं तो आप माइंड तो नहीं कीजिएगा? मेरा मतलब है कि आपके हॉस्पिटल की फाइल देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये एक बिल्कुल डेड प्रोजेक्ट है, टोटल लॉस। इन हालात में इस अस्पताल को चलाना बिल्कुल नुकसान का सौदा है, किसी किस्म का कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा मुझे। देखो, फायदा उठाना या प्रॉफिट कमाना तो कभी भी मकसद नहीं था। देखने वाली बात जो है वो ये है कि देखो, हमारे हॉस्पिटल में मरीजों का टर्नओवर कितना बढ़ा है। सही है, चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। मैं डॉक्टर अहमद, आप जिन लोगों का इलाज करते रहे हैं उनमें से मेरे ख्याल में 20% से ज्यादा मरीजों के बिल की अदायगी नहीं हुई है। तो इतने सारे बिल अगर पेंडिंग में पड़े हैं और पैसा वसूल नहीं हो रहा है तो ये अस्पताल कैसे चलाया जा सकता है? अस्पताल चलाने के लिए डॉक्टर हम्माद, यू नीड मनी। देखो सर, जरूरतमंद तो कोई भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। सही, अगर आप जरूरतमंद की बात करते हैं तो चलिए ठीक है, अगर ऐसी ही जरूरत है तो मैं आपके इस हॉस्पिटल के 50% शेयर्स खरीदने को तैयार हूं, मगर एक शर्त। वह शर्त यह है कि मरीजों का और पेशेंट्स का मैनेजमेंट जो है वह आप देखेंगे, और हॉस्पिटल के फाइनेंसेस और अस्पताल का मैनेजमेंट जो है वो मैं देखूंगा। कहिए, मंजूर है? नहीं नहीं, सोच लीजिए। उसे मुझसे सिर्फ इसलिए छीना गया ना कि वो एक लड़की थी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि वो मेरी बेटी थी, मेरी औलाद। तुमने
रिसिस्ट क्यों नहीं किया, फाइट क्यों नहीं किया? क्या करती, मुझे तो दूध में कुछ मिला के पिला दिया था। जब मैंने वो दूध पिया तो मुझे ऐसा लगा कि रिलैक्स कर। एक बाप ऐसा नहीं कर सकता। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हम लड़कियां ना सिर्फ वारिस पैदा करने के लिए होती है, सिर्फ वारिस। मगर तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम डॉक्टर हो, तुमने उनको समझाने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर तानिया, तालीम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। जहालत अभी भी वही की वही है। आज के जमाने में भी बेटी के वजूद को काबिले नफरत समझा जाता है, काबिले नफरत समझा जाता है। अच्छा तुम इस वक्त ज्यादा टेंशन मत लो, ट्राई एंड स्लीप एंड ट्राई एंड रिलैक्स, इट्स नॉट हेल्थी फॉर यू। ओके चलो लेट जाओ, लाइ डाउन। वक्त के साथ वक्त के तकाजे भी बदल जाते हैं। फी जमाना इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाना जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आदमी एक बहुत बड़ी कंपनी या कॉरपोरेट मल्टीनेशनल चलाता है, उसके लिए पैसा दरकार है डॉक्टर अहमद। उसकी कॉरपोरेट इमेज को बढ़ाना है, उसको कायम रखना है, उसके लिए आपको फाइनेंसिस की जरूरत पड़ती है। बगैर पैसे फी जमाना कुछ भी नहीं होता, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मिसाल के तौर पर फर्ज कर लीजिए अगर आपके मरीज आपके अस्पताल के अखराजात या फीस डॉक्टर की नहीं दे सकते तो आप एक काम कीजिए ना, आजकल तो बहुत सारी लीजिंग कंपनी है, आप लीजिंग कंपनी तरफ उनको रजू कर दीजिए, वो वहाँ से लोन लेंगे और आपके बिल्स रिपे कर देंगे और फिर धीरे धीरे जो कुछ मार्कअप है वो उनका मसला है, वो उस तरह से उनको निपटते रहेंगे। ये लीजिंग कंपनीज का सिलसिला मुझे समझ नहीं आ सकता। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर कर्जा दिया भी जाए तो कर्ज हसन की सूरत में, बगैर किसी प्रॉफिट, बगैर किसी सूद के। डॉक्टर हम्माद, अगर लोग बीमार पड़ रहे हैं तो इसमें आपका कसूर तो नहीं है। आप तो उन बीमारों का इलाज कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, और उस इलाज के एवज अगर आप मुआवजा लेते हैं या मांगते हैं मुआवजा तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन इतने बड़े अस्पताल को चलाने के लिए आपको तो पैसा चाहिए है ना? और जो अमला यहाँ अस्पताल में काम करता है, जो डॉक्टर्स काम करते हैं, उनको भी तो आपको पैसे देने हैं। अब पैसे के अलावा आपको भी तो कोई फायदा होना चाहिए डॉक्टर साहब। मरीजों से फायदा और मैं, असद सॉरी, मैंने तुम्हारा वक्त जाया किया और तुमने मेरा। डॉक्टर अहमद, आप हम आखिर जज्बाती हो रहे हैं। हाँ, मेरा इस प्रोफेशन से जज्बाती ताल्लुक है। मेरे ख्याल में ये एक बिजनेस मीटिंग थी और उसको कारोबारी रखा है जाए तो अच्छा है, जज्बात को बीच में मत लाइए। और अगर आप जज्बात की बात करेंगे तो फिर डॉक्टर अहमद, शमसा से भी तो आपका जज्बाती ताल्लुक था ना, तो फिर वो क्यों छोड़ के चले गई? उसको छोड़िए, मतलब अपने खून से ज्यादा तो किसी से जज्बाती ताल्लुक नहीं हो सकता।
आपका अपना खून, आपका अपना बेटा आपको छोड़ने चलेंगे। आप किस मुंह से जज्बात की बात करते हैं? कौन से जज्बात, कैसे जज्बात? सही कह रहे, मैं अपनी मोहब्बत के साथ जिया और तुम अपनी नफरत से, और आज तक वैसे ही, शायद अब सही रहे, उसी ने मुझे समझा रखा है। मैंने मोहब्बत तो मुझे मार दिया था। शमसा, तुमसे मोहब्बत तुम शायद भूल गए। नहीं डॉक्टर अम्मा, मैं कुछ नहीं भूला। एक एक लम्हा, एक एक पल सब याद है मुझे बहुत अच्छी तरह। शमसा और मेरे इख्तलाफात की वजह कुछ भी हो, लेकिन उसमें नफरत नहीं थी, लेकिन तुमसे शायद वो नफरत करती थी। आप क्यों पूछ रही है? बहुत अच्छा था। आएगा तो आपको जरूर बताऊंगी। सच? समार्था वो एक साइको है, यहाँ पेशेंट भी रहा है, लेकिन वो लगता तो बहुत की। आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोहन कहाँ खो गए थे? कोना कहाँ है, मुझे तो कोई मिलता ही नहीं था। नहीं, कहाँ मिलते, पिछले दिनों मैं तुम्हारी अम्मी की डेथ पे आया था, लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं। तुम कहीं शिफ्ट हो गए? अम्मी के इंतकाल के बाद तो मुझे उसी मार से वहशत होती, जिसको कभी हम घर कहते थे, मैंने भी अब उससे अपने आप को लापता कर दिया। अच्छा ये बताओ, आजकल कहाँ हो, कैसे तफसीली मुलाकात हो सकती है? यही हूँ, बस एक दो दिन में फार्म जाने वाला हूँ, या शायद वैसे आपको तो फार्म आने की फुर्सत ही नहीं होगी। हाँ तुम ठीक ही कहते हो, आजकल हर कोई मसरूफ हो गया है। वैसे आजकल अहमद क्या कर रहा है? वो कुछ दिन यहाँ पाकिस्तान में रहा और फिर बस यूके चला गया बगैर बताए। वैसे मुझको लगता है कि इसको भी दरबदरी रास आ गई है। हाँ फिर अकेला वक्त तो बड़ी मुश्किल से गुजरता होगा अंकल। वक्त का क्या है, वक्त तो गुजरते गुजरते गुजर जाता है। आओ बेटा। आज डॉक्टर जोई आप इनके पास ही रहें। ठीक है। वैसे इनका अबॉर्शन हुआ कैसे? इनके हस्बैंड ने कुछ दूध में मिला दिया था। इनके हस्बैंड ने? रियली? पर क्यों? उनको वारिस चाहिए था, और अल्ट्रासाउंड जब किया तो पता चला लड़की है। वेरी सैड। ओह माय गॉड, आई थिंक शी इज अ डॉक्टर टू। या एंड शी इज एनीमिक, और ये कोशिश भी नहीं कर रही जिंदा रहने की। वेरी सैड। एनीवे डॉक्टर साहब,
रानी आपको बुला रही है। कहाँ है वो? ड्यूटी रूम में। कह रही कुछ काम है आपको। Surprise! Happy birthday! Thank you. इस सब की क्या ज़रूरत है? Oh, it's nothing. This is just a little thing from me to you. Yeah, thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nirmal. Happy birthday to you. कौन? ओ बाबा ओ। हम तो डर गए यार। कौन है? कोई कोई बला है क्या? हाँ मैं बला हूँ। खून पी जाऊंगा। खून? नहीं नहीं यार प्लीज मेरा खून नहीं पीना। मुझे जाना तो मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है प्लीज। अरे मम्मी पापा के पास तो मुझे भी जाना है। अच्छा मैं आपका खून बाद में पीऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। ओके थैलेसीमिया है इसको, खुर्रम नाम है इसका। 6 साल का होने वाला है। खुर्रम का ख्याल है कि उसके अंदर एक खून पीने वाला ड्रैकुला रहता है। एक दिन तो कह रहा था अंकल जब ये ड्रैकुला मेरा सारा खून पी जाएगा। प्लीज स्टॉप इट, इट्स टेरिबल। सुन ले, खुर्रम ये भी कहता है कि वो हमेशा इस ड्रैकुला से लड़ता रहेगा। ये उसका फेथ है। 6 साल का खुर्रम जिसे मौत के बारे में कुछ नहीं पता वो। लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि आप भी तो एक डॉक्टर हैं। मौत को आपसे ज्यादा किसने नजदीक से देखा होगा? किसी ने भी तो नहीं। अगर आप जिंदा रहने का हौसला छोड़ देंगे तो बहुत से खुर्रम भी इस ड्रैकुला से लड़ना बंद कर देंगे। रोक लें, रोक लें इस खून पीने वाली बला को। प्लीज स्टॉप इट। ओके आप आराम करें, मैं चलने के बाद अंदर आता हूं। अब तो हर आने वाला कल इसके लिए मुख्तलिफ पैगाम। खैर आओ तो मैं अपने क्लिनिक से। वैसे इस वक्त हमारी खुशी से ज्यादा अहम हमारे अस्पताल का फ्यूचर है। जी डॉक्टर अनमोल, हम सब लोगों ने अपनी इस मंथ की सैलरी से मरीजों के लिए मेडिसिन खरीदने का फैसला किया है। That's so sweet, Murad. Hello?
डॉक्टर निर्मल, सुना आपके लिए बहुत सारे कार्ड आए। जी, क्या करे, लोग याद ही ना करते। एक हम है, जब भी आए टर्मिनेशन लेटर से आए। मगर उसकी भी तो कुछ वजह होगी ना। अरे कोई वजह नहीं होती, एक्चुअली मेरी तकदीर में ये लिखा है कि मैंने कहीं पर सही तरह जॉब नहीं किया। अच्छा, कुछ तकदीर हो जाए। श्योर। मेरी डॉक्टर आने की आज ऑफ है तो नाइट ड्यूटी आप देंगे। हाँ डैडी, वो ऑलरेडी इतने परेशान हैं, आपने डॉक्टर हमाद की परेशानियों में और इजाफा कर दिया। नहीं तानिया बेटे, मैंने किसी की परेशानी में कोई इजाफा नहीं किया है, तुम गलत समझ रही हो। डॉक्टर हमाद से मैं एक बिजनेस डील करने जा रहा हूँ और बिजनेस में ऐसी बातें होती हैं जो मैं खुद तुम नहीं समझती। तो आपको क्यों परेशान कर रही हूँ? Leave it to me. I'll handle it. Daddy, it's just not fair. It's just not fair. Bira, tum khamakhay apne aap ko pareshan kar rahi ho. Maine tumse kaha hai na ki bahut sari aisi baatein hain jo tum nahi samjhoge. Leave it to me. I'll take care of it. Theek hai, tum pareshan mat ho. Acha, aisa karte hain ki hum ghar chalenge. Wahan tumhare liye maine bada zabardast khana banwaya hai. You'll enjoy it. Delicious meal, hai? Aur tumhari favorite sweet dish bhi. Give me a smile. Ah, हाय निर्मल, तुम यह क्या कह रहे हो? सालगिरह मुबारक। थैंक यू। चलो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मेमिक, तेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहीं जाना है। अरे मैं ले जा रहा हूँ। हे मिस्टर। हे हेलो। कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। लेट्स गो। लेट्स गो।